हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, रुबीना दिलेक टीवी की नंबर वन एक्ट्रेस हैं, लेकिन कलर्स वाले हर बार रुबीना के साथ खेल जाते हैं बड़ा खेल, और एक बार फिर से उन्होंने किया है कुछ ऐसा ही। क्या किया है इस बार उन्होंने रुबीना के साथ, हम आपको बताएंगे टेली टॉकीज की इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, रुबीना दिलेक को कलर्स टीवी ने बिग बॉस सीजन 14 के दौरान काफी नीचा दिखाने की कोशिश की थी। हालांकि रूबी हॉलिप्स हमेशा सोशल मीडिया पर रुबीना को बाहर से सपोर्ट करते रहे, और यही वजह है कि रुबीना दिलेक बॉस लेडी बनकर ट्रॉफी उठाकर बाहर निकली। लेकिन एक बार फिर से रुबीना ने कलर्स के साथ हाथ मिलाया है। रुबीना एक बार फिर से करने जा रही है कलर्स के साथ रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12। लेकिन दोस्तों, कलर्स ने फिर से चली है रुबीना को नीचा दिखाने के लिए बड़ी चाल। हम आपको बता दें कि पिछले सीजन यानी कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में राहुल वैद्य आए थे, जो कि बिग बॉस सीजन 14 के फर्स्ट रनर अप थे। राहुल को पर एपिसोड के 13 लाख रुपए दिए गए थे। इस बार रुबीना दिलेक आ रही हैं, और रुबीना दिलेक को दिए जा रहे हैं पर एपिसोड के सिर्फ 10 लाख रुपए। पर हाँ, रुबीना से ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं जी टीवी की शानदार और बड़ी एक्ट्रेस श्रुति झा को। श्रुति झा को कलर्स टीवी दे रहा है एक एपिसोड के 15 लाख रुपए। यहाँ तक कि शिवांगी जोशी को भी 12 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन रुबीना दिलेक के साथ ये दुहात क्यों, जबकि रुबीना बिग बॉस की विजेता तक रह चुकी हैं, और रुबीना की फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है ये बात किसी से भी नहीं छुपी है। खैर, आप इस पर क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।